में मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मुनका अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई। दो दमकल कर्मियों की भी इस दौरान मौत हुई है सुबह होते ही। फिर शुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते हैं। तो दिल्ली के मुनका में हुए हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं नजर आ रहा है। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर एक बार शुरू किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दे, मुंडका अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई है। दो दमकल कर्मियों की भी मौत हुई। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दे, तो भीषण हादसे में 27 लोगों की जान चली गई है। मुंडका अग्निकांड में करीब 27 लोगों की जान गई और इनमें दो दमकल कर्मी भी शामिल थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इसके बाद आपको बता दें कि अभी भी तीसरे फ्लोर पर धुआं नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुनका अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर मुनका अग्निकांड में करीब 27 लोगों की जान चली गई। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर एक बार शुरू कर दिया गया। दो दमकल कर्मियों की भी इस दौरान मौत हुई है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुबह होते ही फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं आ रहा है नजर। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मुनका अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां मुनका अग्निकांड में करीब 27 लोगों की मौत हुई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, तो दो दमकल कर्मियों की भी मौत हुई है। सुबह होते ही फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो दो दमकल कर्मियों की भी मौत हुई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंडका अग्निकांड की। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी थी और इस आग में आपको बता दें 27 लोगों की जान चली गई थी। और अभी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर एक बार शुरू किया गया। तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं नजर आ रहा है और करीब 27 लोगों की जान गई, जिसमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। और मुनका अग्निकांड से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी और इस आग ने करीब 27 लोगों की जान ले ली। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुनका अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं देखा जा सकता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन फिर एक बार सुबह होते ही शुरू कर दिया गया। और आपको बता दें कि सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, मुनका अग्निकांड में 27 लोगों की जान चली गई, दो दमकल कर्मी भी शामिल थे। और बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, सुबह होते ही फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बिल्डिंग में आदमी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुनका अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई है। तीसरे फ्लोर पर अभी भी धुआं देखा जा सकता है। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के मुंडका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये थ्री
तीन मंजिला इमारत है, जहां पर नीचे की बात की जाए तो फर्स्ट फ्लोर पर यहां पर सीसीटीवी और रोटर का जो है काम बनाने का किया जा रहा था। ऐसे में बीते कल की बात की जाए तो तकरीबन चार बजे फायर स्टेशन को सूचना दी गई कि इस बिल्डिंग पर आग लगी है, और आग देखते ही देखते भयंकर रूप आग ने ले लिया, विकराल रूप देखा गया आग का, जिसमें कि 27 लोगों की मौत इसमें हो गई है, और ऐसे में 12 लोग जो है घायल हैं, जिनका निजी अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आप देख सकते हैं 14 घंटे अब तक हो चुके हैं, और लगातार जो है फायर ऑफिसर यहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है और फायर कर्मी भी मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिरकार इस बिल्डिंग के अंदर फायर से आग बुझाने के लिए जो यंत्र होते हैं, क्या वो इस बिल्डिंग के अंदर थे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में जो फायर ऑफिसर हैं उनका कहना है कि हम इस पूरे मामले पर जांच करेंगे, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग होती है, कोई भी इस तरीके का काम उसमें शुरू होता है, तो फायर की एनओसी भी ज़रूर होती है, और ऐसे में लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं। 27 लोगों की मौत हो जाना, बड़ा ही दुखद ये घटना यहाँ पर हुई है। ऐसे में दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, फायर के ऑफिसर यहाँ पहुँचे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार ढूंढने की कोशिश जो है यहाँ की जा रही है। अब तक 27 शव जो है यहाँ मिल चुके हैं। ऐसे में लगातार जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि पुलिसकर्मी उनको समझा बुझवा कर भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं। हालांकि जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर जो कर्मचारी थे वो बाहर के हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, पर जो पुलिसकर्मी हैं लगातार लोगों को समझा रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस लाइन, डू नॉट क्रॉस दिस पट्टी, इस तरीके की यहाँ पर एक पट्टी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जली हुई बाइक यहाँ देख सकते हैं, एसी, तमाम इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग तो बुझ चुकी है, हालांकि जो सर्च ऑपरेशन 4 बजे आज की अगर बात करें तो 4 बजे ख़त्म हो गया था, पर एनडीआरएफ की दूसरी टीम अब यहां पहुंची है, और जो आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरें मैं ऊपर से दिखाऊंगा, आग जरूर बुझ चुकी है पर जो धुआं है वो अभी भी देखा जा रहा है। लगातार जो है यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हो भी सकता है कोई और डेड बॉडी तो नहीं है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है 100 से 150 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, हालांकि 27 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर गलती किसकी है ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल अनिल, क्योंकि कई लोग भी घायल थे, फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जो घायल थे उनको रात ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो उनकी हालत जो बताई गई है वो स्टेबल बताई गई है। जो 27 लोगों की दर्दनाक मौत है, इस पर देश के प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है, और जो परिवार वाले हैं उनके साथ ने अपने 2 लाख रुपए का मुआवजे की भी बात इस पूरे मामले में कही गई है। बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।